नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज शाम की कुछ खास खबरों पर। स्कूल खुलने के बाद से अब तक 52 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त से स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। स्कूल खुलने के बाद से अब तक प्रदेश में 52 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में मिले इन 52 छात्रों में 2 बिलासपुर, 9 चंबा, 5 हमीरपुर, 15 कांगड़ा, 1 कुल्लू और लाहौल स्पीति, 7 मंडी, 9 शिमला और 3 छात्र ऊना में कोरोना संक्रमित निकले। करसोग में करंट लगने से सेना के जवान की मौत, 7 महीने बाद थी रिटायरमेंट। क्षेत्र के दूरभाष केंद्र के समीप सोमवार सुबह पैदल रास्ते पर करंट लगने से 36 वर्षीय सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान खूबराम पुत्र भद्रुदास गांव माटल ग्राम पंचायत मशोगल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि खूबराम 7 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। मृतक के पिता भद्रुदास ने बताया कि उनका पुत्र करसोग समीप ही घर बना रहा था और सेवानिवृत्त की कागजी औपचारिकता के दौरान ये घटना हो गई। विधानसभा में गूंजा एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला, जाने क्या बोले मंत्री। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण करने का मामला कांग्रेस के विधायक विनय कुमार ने उठाया। उन्होंने सरकार से एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। वहीं जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 नवंबर 2020 को दिए गए निर्णय के दृष्टिगत मामले का परीक्षण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इनके मानदेय में वर्तमान सरकार ने बढ़ोतरी की है। श्रावण अष्टमी नवरात्र पर शक्तिपीठों में मां के जयकारे, भक्तों ने कोविड नियमों के तहत किए दर्शन। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आज श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का विधि पूर्वक पूजा अर्चना व कन्या पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। तहसीलदार दीनानाथ और मंदिर अधिकारी तहसीलदार निर्मल सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना और कन्या पूजन कर नवरात्रों का आगाज किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज शाम के कुछ खास समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।